आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। डोईवाला में किसानों का जबरदस्त प्रदर्शन, सीएम धामी का फूंका पुतला, डोईवाला चीनी मिल के बंद होने की खबर से भारी नाराजगी। डोईवाला चीनी मिल के बंद किए जाने के विरोध में आज स्थानीय किसानों ने डोईवाला में जबरदस्त प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि सरकार डोईवाला चीनी मिल को बंद करना चाहती है। आपको बता दें कि शासन स्तर से एक आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि डोईवाला शुगर मिल लगातार घाटे में चल रही है और डोईवाला क्षेत्र में शहरीकरण के कारण गन्ने का क्षेत्रफल घट रहा है, जिसके चलते डोईवाला शुगर मिल पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश के पवंटा साहिब के गन्ने पर निर्भर है। साथ ही ये भी कहा गया है कि शुगर मिल की वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है और इन सभी कारणों के चलते डोईवाला चीनी मिल को बंद कर चीनी मिल की जमीन को बेचने पर विचार किया जाए। इस पत्र के वायरल होने के बाद स्थानीय किसानों में भारी गुस्सा है। आज चीनी मिल गेट पर किसानों ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। मैं आज भाजपा के मित्रों से कहना चाहता हूं, जो कि अपने क्षेत्र में कई सारे सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि और कई भाजपा के मंडल महामंत्री से लेकर जिला महामंत्री से लेकर एक वो प्रोपेगेंडा चला रहे थे कि ये कांग्रेस की वो है साजिश है कि नहीं कोई टाउनशिप नहीं बन रही है, आप बेवजह का धरना प्रदर्शन पार्टी द्वारा। लेकिन आज देखिए पहला कदम सरकार का, आज जो हमें सूचना मिली है इस सरकार इस मिल को बंद करने जा रही है, तो इस मिल का बंद होने का मतलब इंटीग्रिटी सिटी पक्का यहाँ पे बनेगी, ये आज डोईवाला की जनता जान चुकी है। अब मैं उन भाजपा मित्रों से मैं कहना चाहता हूँ, आपके पास क्या जवाब है? अगर आपके अंदर जमीर बचा हुआ है तो आप डोईवाला की जनता का साथ दीजिए, किसानों का साथ दीजिए, क्योंकि भारत सरकार और ये राज्य सरकार का बिल्कुल ये निर्णय हो चुका है कि जब चीनी मिल बंद हो जाएगी तो इतनी बड़ी जो यहाँ पे 3,080 बीघा लेना चाह रहे थे उसका रास्ता खुल चुका है। अब तो पूरा विस्थापित में जाने वाला, जो विस्थापित के मेरे मित्र हैं जो भाजपा के, मैं कहता हूँ जाग जाओ आप, आज बिल्कुल इतने अंधभक्त मन में नहीं है। जब ये चीनी मिल बंद हो सकती है तो आपका विस्थापित भी जा सकता है, झोलीग्रांट भी जा सकता है, भानीवाला भी जा सकता है, पूरा किसान बेल्ट है जो हमारी वो जा सकती है। बड़ी शर्मनाक विषय है। माने हमारे जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मैं उन्हें हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप लोग गुटबाजी त्रिवेंद्र रावत जी, निसंग जी और अपनी गुटबाजी छोड़कर आप डोईवाला की जनता का बुरा न कीजिए, इस चीनी मिल को रहने दीजिए, 600 परिवार का सवाल है। जो पिछले काफी समय से डोईवाला के किसान और मजदूरों का तंग करने का कार्य कर रही थी, तरह तरह के नाम देके, कौन सी स्मार्ट सिटी, उसके साथ ही कल इन्होंने एक नाकाम कोशिश और कर दी, शुगर फैक्ट्री को बंद करने का जो फरमान सुना है, ये सरकार की एक छोटी मानसिकता है कि जिससे 600 परिवारों की रोटी रोजी चल रही थी उस फैक्ट्री को भी बंद करने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बता देना चाहता हूँ, अगर सरकार अपनी नाकाम कोशिशों से ना मानी तो यहाँ का मजदूर संघ और क्षेत्र का किसान, क्षेत्र का मजदूर चैन से बैठने वाला नहीं है। चाहे वो मुख्यमंत्री आवाज गिरा करे, चाहे हमारा नामांकन करे, हमारा आंदोलन प्रतिदिन तेज होगा। आज हम सब लोग किसान, मजदूर, किसान भाई सारे एकत्रित होकर आज शुगर मिल के पास पहुंचे। हम लोगों ने आज माननीय सीएम साहब का पुतला ऐसे फूंका कि आपकी कथनी और करने में कितना अंतर है। एक तरफ आप इंटीग्रेट सिटी के लिए रोज प्रेस विज्ञप्ति भेजते हो कि कोई इंटीग्रेट सिटी नहीं बनने वाली, दूसरी तरफ आपके द्वारा बनाई हुई कमेटी रिकमेंड करती है कि शुगर मिल डोईवाला को बेच दिया जाए। आज ये आक्रोश है, आज किसान इतना भारी संख्या में गन्ना उगाते हैं, गन्ना ये हमारे गढ़वाल मंडल की एकमात्र मिल है। और माननीय पुष्कर धामी जी, आज हम आपसे निवेदन करना है कि आप खाली कुमाऊं के नेता मत बनिए, आप पूरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, हमारी ये गढ़वाल मंडल की एकमात्र सरकारी मिल है, इसे हम बेचने नहीं देंगे, न इंटीग्रेट सिटी बनने देंगे, ये हमारा आक्रोश था। किसानों ने साफ कर दिया है कि न तो एयरो सिटी के लिए जमीन दी जाएगी और न ही चीनी मिल की जमीन को बिकने दिया जाएगा। डोईवाला से संजय राठौड़ की रिपोर्ट।